बहुत ज्यादा खूबसूरत जिंदगी का दिन है ये मेरे, क्योंकि आज मेरी रुखसती फाइनली हो रही है और वाजिद जी मेरे साथ है, जिसके आप लोग बहुत ज्यादा मुंतजिर थे। आप हमेशा जानना चाहते थे कि वाजिद जी कौन है, क्या है, तो आई थिंक इनका पहला मीडिया इंटरेक्शन है वाजिद जी। जी बिल्कुल, और मैं बहुत घबराया हूँ। एक्चुअली इनकी और मेरी कैफियत बहुत ज़्यादा मिलती है। वाजिद जी भी इसी थॉट के है कि कीप इट प्राइवेट टिल इट्स परमानेंट, और हम ये चाहते थे कि हमारा जो निकाह है वो बहुत खूबसूरत जगह पर हो, और जो मदीना का आइडिया था वो कहीं ना कहीं इधर से आगाज हुआ था एंड देन हमने म्यूचुअली डिसाइड किया, तो माशाल्लाह। ऑब्वियसली पता था, हम बिग बॉस हाउस में उसको विटामिन डब्ल्यू के नाम से बुलाते थे, तो ऑब्वियसली पता था, बट ये नहीं पता था कि दैट शी विल गेट मैरिड सो सून। ये मेरे लिए भी सरप्राइज था, और ऑब्वियसली उसके बाद तो आई एम सो हैप्पी फॉर हर, दे लुक सो क्यूट टुगेदर एंड आई रियली होप दैट वो जैसे हंसी खुशी हमेशा रहती है वो हमेशा ऐसे ही रहे। द पॉइंट इज आई अंडरस्टैंड वन थिंग, आपको कोई भी स्ट्रॉन्ग लगे नहीं लगे वो शायद फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज जो भी जीतता है इट इज़ क्वाइट अ सरप्राइज एंड कंटेस्टेंट्स के लिए वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग होता है, तो आई डोंट नो, मैं फॉलो भी नहीं करता यार, आई डोंट नो दैट इज समथिंग दैट आई कॉन्ट कमेंट ऑन, बट यार हमेशा ना इट्स लाइक आप जो एक्सपेक्ट करते हो उसके ऊपर ही उसके मतलब अलग ही कुछ हो जाता है, सो द मोमेंट यू एक्सपेक्ट समथिंग प्लीज मेक श्योर कि उसका उल्टा ही कुछ होने वाला होगा। पहले तो बहुत बहुत मुबारक सना जी को, और अल्लाह ताला इनकी जोड़ी में ऐसे ही बेइंतहा मोहब्बत अता फरमाए, और बहुत अच्छी जगह पे इन्होंने निकाह किया था, माशाल्लाह सभी का ऐसे ही निकाह ऐसी जगह पे हो, और मेरी तरफ से बेस्ट विशेस। हाँ जी मैंने देखा अच्छे है माशाल्लाह, बहुत अच्छे है, और मैं चाहूंगा कि सना बहुत नाजुक है, वो सना को ऐसे ही नाजुक तरीके से रखे और बहुत प्यार करे।